मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। ब्राह्मण कुल में जन्मे मंगल पांडे को जीवन यापन के लिए अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना पड़ा और इसी वजह से साल 1849 में महज 22 साल की उम्र में मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए थे। साल 1857 एक ऐसा दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्मों से पूरा भारत देश पीड़ित था। पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ होता जा रहा था, लेकिन खुलकर सामने आने की किसी में हिम्मत नहीं थी। दबी जुबान से अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की ज्वालामुखी सुलग रही थी, लेकिन ये गुस्सा सबसे पहले तब फूटा जब ब्रिटिश कंपनी की बंगाल यूनिट आर्मी में एनफील्ड P-53 राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। एनफील्ड P-53 की कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई थी कि इसे बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। सिपाहियों के मन में ये बात घर कर गई कि अंग्रेजी शासन हिंदुस्तानियों को धार्मिक तौर पर भ्रष्ट करना चाहती है, क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों के खिलाफ था। मार्च 29, 1857, दिन रविवार, बैरकपुर स्थित 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाऊ रोज की तरह प्रार्थना करने के लिए चर्च जाने की तैयारी में लगा था कि तभी उसे अचानक खबर मिली कि इन्फेंट्री की यूनिट के जवान बगावत पर उतर आए हैं। उसे बताया गया कि 6ठी कंपनी का सिपाही मंगल पांडे यूनिट के अंदर यह चिल्लाता हुआ घूम रहा है कि जो भी अंग्रेज अफसर उसके सामने आएगा वह उसे गोली मार देगा। इतना ही नहीं, वो यूनिट के दूसरे सिपाहियों को भी साथ देने के लिए उकसा रहा है। पहले तो लेफ्टिनेंट बाऊ को ये लगा कि मंगल पांडे भांग या अफीम के नशे में ऐसा कर रहा होगा और उसे पता था कि कैसे इस तरह की स्थिति से निपटना है। बाऊ ने तुरंत अपनी वर्दी पहनी, भरी हुई पिस्तौल टांगी और अपने घोड़े पर बैठकर यूनिट की तरफ रवाना हो गया। यूनिट पहुंचकर लेफ्टिनेंट बाऊ ने मंगल पांडे को आत्मसमर्पण करने को कहा और साथ ही मंगल पांडे के हथियार छीन लिए जाने व वर्दी उतार लेने का हुक्म दिया। मंगल पांडे ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया। जबरदस्ती जब मेजर ह्यूसन राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े तो मंगल ने उन पर हमला कर दिया। मंगल पांडे ने मदद के लिए साथियों की ओर देखा, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। लेकिन फिर भी मंगल पांडे ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया। ह्यूसन को मारने के बाद मंगल ने एक दूसरे अफसर लेफ्टिनेंट बॉब की भी हत्या कर दी। इसके बाद मंगल पांडे ने खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक अंग्रेजी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया और 6 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सजा सुना दी गई। कोर्ट मार्शल के फैसले के मुताबिक मंगल पांडे को 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, लेकिन सिपाहियों के विद्रोह के डर से उन्हें 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी दे दी गई। भले ही मंगल पांडे खुद फांसी पर चढ़ गए, लेकिन आजादी की चिंगारी को हवा देकर उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया था। उनकी मौत के एक महीने बाद मेरठ की सैनिक छावनी में भी बगावत हो गई और विद्रोह पूरे उत्तरी भारत में फैलता चला गया। भले ही संचार व्यवस्था नहीं होने की वजह से इस आंदोलन को दबा दिया गया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की नींव मंगल पांडे के सिपाही विद्रोह से ही रखी गई।